गण में है बस रहा तेरा रूप अपार। दिन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करता। दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी दाता परम्पार। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। सात संगत जी प्यार से कहना सात संगत आज यहाँ नीलोखेड़ी में आके आप सबके दर्शन करके बहुत ही खुशी मिल रही है। और जिस तरह इतने मर्यादा में बैठ के इतने अनुशासन से आप सब जिस तरह संगत कर रहे हैं, एक एक रूह का जो निरंकार से कनेक्शन वो साथ महसूस हो सक रहा है। और जिस तरह हम सबको पता है कि सत्संग रूप जो है भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है। और अभी जैसे ही हम गीत में सुन भी रहे थे कि ये सहज अवस्था की बात हो रही थी, ये भक्ति में हमारे को कैसे हम उस सहज अवस्था पे पहुंच सकते हैं, वो तभी मुमकिन हो सकता है जब हम इस निरंकार को सरेंडर करें पूरी तरह और हम उसको एक एक पल में उस निरंकार के साथ हम अपने लिप को जोड़ते हुए ऐसा उस समय महसूस करते हुए अपने सारे भूलों की माफ़ी मांगते हुए निरंकार से जो पल पल हमने जाने अनजाने हो जाती है और इस तरह भक्ति में अपना जीवन रखें, ना ही कोई शर्त रखें। और अब जो जिस तरह जीवन सहज अवस्था में जीने के लिए निरंकार का एक एक जो नियम है उसको हम अपने आप अपनाएं और उसमें कोई कमियां ना निकालें, बस जो है वो निरंकार का भाणा है और भाणे में रहने के लिए हम हमेशा एक एक पल अपना लगाएं। जैसे वो गीत की लाइनें भी हैं कि सजदे भी करूं शिकवे भी करूं ये भक्ति का असूल नहीं, भक्ति है नाम समर्पण का इसमें शर्तें मंजूर नहीं। तो उसी तरह हम भी अपना सारा समय दिन का ज़्यादा से ज़्यादा जब चाहे और भी कोई काम कर रहे हैं, जिस रूप में सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उसी में निरंकार कृपा करे कि आप सबका पल पल इस निरंकार के शुक्रान में ही निकले। सात संगत जी प्यार से कहना सात संगत प्यार से बोलिए बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। अभी सभी इसी तरह बैठे रहे धुनी ये महात्मा सात संगत पढ़ेंगे, इसमें सभी ने आपने साथ देना है और कोई भी अभी उठने का प्रयास ना करें। ध्वनि सीकरण के बाद जिन्होंने लंगर नहीं प्रवान किया वो लंगर प्रवान करके अपने अपने निजी स्थानों की ओर जाएंगे। अभी मिलकर सभी ध्वनि विभाग है अवतार तेरे दाता